वेलकम टू माय स्टडी फिट जर्नल। दोस्तों, जैसा कि आप सबका केवीएस 2023 का एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो मैं ये रिवीजन क्लास लेके आई हूँ आप सबके लिए, जिसमें से 665 क्वेश्चंस का सीरीज है जो पार्ट बाय पार्ट रहेगा। एक ही पार्ट में मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, कुछ कुछ क्वेश्चन का पार्ट रहेगा जो पार्ट बाय पार्ट आपके 8-10 वीडियोज में पूरा होंगे। तो चलिए चलते हैं, रिवीजन करते हैं क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन इसमें दिया है शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वास्थ्य विकास, वर्धन एवं विकास, उपयुक्त सभी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक यानी कि सर्वांगीण विकास करना है। यहां पे आपका ऑप्शन के अनुसार सबसे उपयुक्त तो ऑप्शन बैठता है ऑप्शन नंबर बी, शरीर का स्वास्थ्य विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का दर्शन क्या है। तो दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम ये वाक्य शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड है। यह अवाक्य आपको बैठता है आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी में से, जिसके प्रतिपादक हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मशाल को एथेंस ओलंपिक खेलों के स्थल तक ले जाने की प्रथा शुरू की। तो इसको प्रथा शुरू की एडॉल्फ हिटलर ने। सभी के थ्योरी वाले वीडियोज में अच्छे से बनाई हूं दोस्तों, इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ओनली क्वेश्चन का आंसर देते जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज की बनावट निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है। तो जैसा कि दोस्तों ओलंपिक ध्वज के बारे में डिटेल में वीडियो बनाए हैं, इसका जो बनावट कैसी होती है, यह बिना किनारे वाली सफेद पृष्ठिका और केंद्र में ओलंपिक प्रतीक होता है। ठीक है, केंद्र में क्या होता है, ओलंपिक प्रतीक यानी 5 छल्ले उसमें लगे होते हैं। ये 5 छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल, डब्लू के आकार का होता है। ये 5 छल्ले जुड़े रहते हैं, जिसमें से नीला जो है यूरोप का प्रतीक और काला ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक, पीला एशिया का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक, लाल अमेरिका का प्रतीक है। इन 5 छल्लों को ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थायी रूप से मान्यता मिली 1924 पेरिस फ्रांस में। और जैसा कि आप जानते हैं ओलंपिक मोटो आदर्श वाक्य है सीटियस अल्टियस फोर्टियस, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली, यानी फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। जैसा कि ओलंपिक ध्वज को बनाया गया पेरी कुवर्टिन के द्वारा 1913 में, और इसको फहराया गया सबसे पहले 1920 बेल्जियम एंटवर्प ओलंपिक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में खेले गए थे। तो यह किंग जॉर्ज प्रथम के नियंत्रण में खेला गया था 1896 में एथेंस में पैनाथोनिक स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, सारे प्रतिभागी सदस्य महिलाएं थी, सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक के थे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सारे प्रतिभागी सदस्य ग्रीक के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपियन में खेले गए ओलंपिक खेलों में किसके सम्मान में महिलाएं पृथक प्रतियोगिताओं में शामिल हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है, देवी हेरा के सम्मान में महिलाओं ने हेरा का उत्सव किया था, और ये जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में एथलीट का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ग्रीक भाषा में एथलीट का अर्थ होता है प्रतियोगिता। तो यहां पे प्रतियोगिता नहीं दिया है, तो आपका दौड़ आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेलों में यह पता लगाना लगा कि बेहतर प्रदर्शन के लिए नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है? तो 1960 रोम ओलंपिक में यह पता चला दोस्तों कि नशीली दवाओं का सेवन किया जा रहा है। तो वो कौन था? न्यूट जॉनसन था, जो एक साइक्लिस्ट था जो रोनिकल नामक दवा ले रखा था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्राचीन काल में तक्षशिला जो है वो धनुर्विद्या के लिए प्रसिद्ध था, धनुर्विद्या के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय चेन्नई की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1920 में चेन्नई में हुआ था, एससी बक की अध्यक्षता में, एससी बक के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? एससी बक के द्वारा किया गया था। एंड दोस्तों जैसा कि जो YMCA है यह भारत में 1920 में एससी बक यानी हेनरी क्रूबक के द्वारा यहाँ पे चेन्नई में स्थापित किया गया था, और भारत का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय भी इसको कहा जाता है। और जो YMCA है यह भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले कब आयोजित किया गया था, स्थापित किया गया था? तो यह 6 जून 1844 को जॉर्ज विलियम द्वारा वहां पे खोला गया था, और USA यानी कि अमेरिका में 1883 स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो इसके प्रथम प्रधानाचार्य थे एस सी बक, जिसका फुल फॉर्म है हेनरी क्रो बक। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक छल्ले क्या संकेत देते हैं दोस्तों? तो 5 छल्ले जो होता है, नीला, पीला, काला, हला, लाल, ये 5 छल्ले 5 महादेशों यानी 5 महाद्वीपों के प्रतीक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि फिलीपीनीस था, तो फिलीपीनीस कौन था दोस्तों? तो फिलीपीनीस जो है वह एथेंस वासी था। कौन था? एथेंस वासी था, इसके नाम पर मैराथन दौड़ शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सकीय व्यायाम का पुरोधा कौन था? दोस्तों जैसे कि चिकित्सा व्यायाम के बताने वाले सबसे पहले हैं हिप्पोक्रेटस, जिनको चिकित्सीय व्यायाम का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष शीतकालीन ओलंपिक खेल पहली बार खेले गए थे? तो यह सबसे पहले खेला गया था 1924 फ्रांस के चेमोनिक्स नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब और कहां उपयोग में लाया गया? तो यह उपयोग में लाया गया 1920 एंटवर्प ओलंपिक में। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक ध्वज को बेरन पीरेडी कुबर्टिंग के द्वारा 1913 में बनाया गया, और इसको फहराया गया सबसे पहले 1920 एंटवर्प ओलंपिक में बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 में किया गया। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था बेरन पीरेडी कुबर्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि 16 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 16 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो दोस्तों इसको प्रतिबंधित किया गया था 1394 में। कब प्रतिबंधित किया गया था? 1394 में। जैसा कि दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 1796 में हुआ था, 796 ईस्वी में, और यह 796 से 1394 तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए थे, जो 1394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस ने राज आदेश के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया था।
ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा यानी कि व्यायामशाला किस लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन ग्रीस में पैलेस्ट्रा या व्यायामशाला मल्ल युद्ध के लिए प्रसिद्ध विद्यालय था। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम किस लिए प्रसिद्ध था। तो प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम जो था वह संगीत के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने किया था। जैसा कि दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हेमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत लग रहा है, इसमें कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल 1930 हेमिल्टन कनाडा में शुरू हुआ था और उसका मेजबान देश भी था कनाडा ही। और जो जैसा कि 2022वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहां पे हुआ था, इंग्लैंड में, आपको ये ध्यान में रखना है, जिसमें भारत जो है 61 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल एंड 16 सिल्वर मेडल एंड 23 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है, जिसमें से आपका ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे आया है और भारत चौथा स्थान पे, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसमें पीवी सिंधु जो है ध्वजवाहक बनी थी ओपनिंग सेरेमनी में, बैडमिंटन खिलाड़ी, और मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान ध्वजवाहक बने थे ओपनिंग सेरेमनी में, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन में शरत कमल टेनिस खिलाड़ी एंड निकहत जरीन मुक्केबाज बने थे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रथम राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी किस एशियाई देश ने किया था, तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मलेशिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रथम बार एशियाई खेलो राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबानी कौन किया था, तो मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में आयोजित एशियाई खेलों में निम्नलिखित में कौन सा खेल शामिल किए गए। तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया था इस नूकर और बिलियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस वर्ष बनाया गया। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई, इसकी स्थापना 1984 यानी 25 जनवरी 1984 को हुआ। जैसा कि दोस्तों अब इसका नाम बदलकर SAI यानी साई न होकर SI यानी स्पोर्ट इंडिया हो गया है, अथॉरिटी शब्द हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को क्या कहते थे। तो स्पार्टा में खेलकूद के मैदान को प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्लेटेनिस्टास बोला जाता था। नेक्स्ट है व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने की थी। तो व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किया था रोमवासियों ने। किसने किया था, रोमवासियों में, कि व्यायामशाला में तेल का उपयोग यानी मालिश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस में कैडेट कोर यानी छात्र नेता के रूप में नामांकित होने वाले लड़के को क्या कहा जाता था। तो इसको बोला जाता था एफी बाय। क्या बोला जाता था, एफी बाय, यानी कि जो एथेंस में कैडेट कोर यानी छात्र नेता के रूप में नामांकित होता था उस लड़के को बोला जाता था एफी बॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक व्यायामशाला लेजियम का संबंध किससे था।
तो इसका संबंध था अरस्तु से, इन्होंने ही इसकी शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद के शिक्षक जो पेड्रो ड्राइव के संस्थानों के अधीन कार्य करते थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको बोला जाता था स्फेरिस्टिज। क्या बोला जाता था? स्फेरिस्टिज। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को क्या कहते थे? तो प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या के शिक्षक को टेक्सोटोज बोला जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन ग्रीस में अंग मर्दक क्या कहलाते थे? तो प्राचीन ग्रीस में अंग मर्दक जो है एलाइप्टे कहलाते थे। नेक्स्ट है कि मड बाथ यानी कीचड़ स्नान उष्णांपक में स्नान कहां लोकप्रिय था? तो यह लोकप्रिय था एथेंस में। कहां लोकप्रिय था? एथेंस में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कुल आपके 665 क्वेश्चन है। मैं एक दिन में दो वीडियोज डाल के आपका प्रैक्टिस जल्द ही खत्म करूंगी। आप बस डेली बेसिस पे लगे रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए। एक मिनट भी आप अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए, समय बहुत कम है। तो दोस्तों बता रही है मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे, फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।